ओपीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। नॉन फाइलर की मोबाइल सिम बंद न हुई तो सिम पर इजाफी टैक्स लगेगा। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के हर दफा लोड कराने पर इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। एफबीआर की नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी। 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम बंद ना की तो टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त भी दायर की जाएगी। आईएमएफ की टीम कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक एफबीआर हुकाम टैक्स हदफ मौजूदा साल की आखिरी सहमाही में टैक्स की वसूलियों पर ब्रीफिंग देंगे। आईएमएफ टीम 2 हफ्ते पाकिस्तान में क्याम करेगी। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश और जालाबारी। आसमान गहरे काले बादलों में छुप गया। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ज़िला इंतजामिया की अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। महकमे मौसमियात की इतवार तक बारिश की पेशगोई। कोटला गंग समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। एबटाबाद शांगला बालाकोट समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। वादी नीलम कोटली रावलाकोट सिदनौती समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा आज़ाद कश्मीर चित्राल मालाकंड डिवीजन नारान और कागान के नदी नालों में तुगयानी का इम्कान। शराला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो सीधे काम किए पिछले 5 साल उनको उल्टा किया गया। हम उल्टे काम दोबारा सीधे कर रहे हैं। पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। कंटेनर्स को एहतजाज के लिए नहीं इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेहत की सहूलत आवाम की दहलीज पर लेकर जा रहे हैं। आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामदी शोबे का हर माह में 2 बार खुद जायजा लूंगा। ऐसी तजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है जिससे कारोबार में आसानियाँ और सहूलत हो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तजारत पर जायजा इजलास। मुल्की बरामदात समेत मौशी सूरत हाल का जायजा। लाहौर में पुलिस रेड के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से 1 एहलकार शहीद। ASI जख्मी। जवाबी फायरिंग से 1 मुलजिम हलाक 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार 1 फरार। पुलिस के मुताबिक पाक पतन पुलिस ने इश्तियारियों की गिरफ्तारी के लिए रेड किया। IG पंजाब का फरार मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इस्लामाबाद में 9 मई को बगैर इजाज़त रैली निकालने और तोड़ फोड़ पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर शुएब शाहीन समेत 150 अफराद नामजद। सेशन कोर्ट ने बैरिस्टर गोहर शुएब शाहीन और आमिर मसूद की 21 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अजमा बुखारी ने कहा कि मुखालफीन मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजाब में महंगाई कम हुई तो ऐसा दूसरों सूबों में क्यों नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। अब ये भी हमें कोई और बताएगा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स देनी है या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रोज़गार की फराहमी और सूबे की मौशी तरक्की हुकूमत की तरजीहात हैं। हमें क्लास 4 की भर्तियों गली और नालों की सियासत से निकलना होगा। अवाम की कुव्वत खरीद बढ़ाना असल तरक्की है। ज़रई मंसूबों के जरिए फूड सिक्योरिटी यकीनी बना रही। कराची में मैट्रिक का इम्तहान तुलबा के लिए बन गया वबाल जान। मैट्रिक बोर्ड शुबा इम्तहान की मुबैना गफलत। तुलबा के इम्तहानी मराकज़ का तयन इम्तहान शुरू होने के बाद भी नहीं किया जा सका। मलीर के इम्तहानी मरकज़ पर अचानक 200 से ज्यादा इजाफी तालबात को इम्तहान देने भेज दिया गया। इजाफी तालबात पहुंचने से पर्चा शुरू ना हो सका। तालबात परेशान। लाहौर हाई कोर्ट ने तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक स्पीड तक तकसीम करने से रोक दिया। इलेक्ट्रिक बाइक्स की कुरंदाजी अदालती हुक्म के साथ मशरूत। पंजाब हुकूमत से तफसीलात तलब। जिसे शाहिद करीम ने कहा कि तुलबा को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ रागिब किया जाए। तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे तो वो 1 व्हीलिंग करेंगे। में महंगाई 1.3% कम हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 22.3% पर आ गई। 4,600 रुपये महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,43,800 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 1 डॉलर 277.97 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 73,200 पॉइंट्स से ऊपर। PR की बजट में कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमदन पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़। 1% टैक्स से सालाना 25 अरब रुपये तक रेवेन्यू मतवक्के। ट्रैक्टर्स और कीड़े मारा दवायात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। आज में जेल की तामीर का मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर जेल का दौरा। कहा कि 7 बरस तक मनसूबे को लटकाए रखना नाअहली है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओपीटीवी ग्लोबल।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकार अली खान, आई एम द सीईओ एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ ओपीटीवी ग्लोबल। आप देख रहे हैं ओपीटीवी ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्याल आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए ओपीटीवी ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब ओपीटीवी ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं ओपीटीवी ग्लोबल। Habba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1-909-5762-982. TV is now available on Roku. Please tune in to Roku.